नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा में कपास की खरीदारी शुरू न होने से किसानों के अंदर रोष और इसी कारण से किसानों ने आज सिरसा की मार्केट कमेटी के सामने धरना और प्रदर्शन किया। किसानों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। किसान पिछले 5 दिनों से सरकारी खरीद शुरू किए जाने की मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वही किसानों का आरोप है कि सीसीआई जानबूझकर किसानों को नुकसान पहुंचाना चाहता है और फैक्ट्री मालिकों को लाभ, जिसके चलते फसल के मंडी में आने के 20 दिन बाद तक भी सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई। यदि सरकार ने सरकारी खरीद शुरू नहीं की तो वे मार्केट कमेटी के समक्ष धरना जारी रखेंगे। इस मौके पर किसान नेता प्रहलाद सिंह भेरूखेड़ा ने कहा कि फैक्ट्री मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन सरकारी खरीद शुरू नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते किसानों को 600 रुपये से 1000 रुपये प्रति क्विंटल नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसान पहले से ही मंदी की मार में है और इस तरह से यदि सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कपास की सरकारी खरीदी एजेंसी सीसीआई किसानों को झूठा आश्वासन खरीद शुरू करने के लिए दे रही है, जबकि हकीकत में उन्होंने अभी तक टेंडर भी जारी नहीं किए। उन्होंने कहा कि जब तक कपास की सरकारी खरीद शुरू नहीं होती है उनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। धरने का 5वां दिन है हमारा और हमारी जो मांग है वो किसान की जो फसल है उसकी सरकारी खरीद की मांग है। नरमे की आवाज यहाँ पे आ रही हो रही है, मंडी के अंदर बड़ी संख्या के अंदर किसान अपना नरमा यहाँ पे लेके आ रहा है, जिसका MSP जो रेट है, सरकारी रेट है, वो 5450 रुपये है। उसके ऊपर अभी खरीद शुरू नहीं की इन्होंने, उसको लेके हम पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उससे अधिकारियों से मिले भी हैं, हमें कोरे आश्वासन मिलते रहे हैं कि जल्दी जो है सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी, लेकिन आज तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। जब तक कि मंडी में सीजन फसल शुरू हो गई है, 20 दिन हो गए मंडी में फसल आते हुए। अब इनको पता चला कि इनका जो फैक्ट्री वाले हैं उनके साथ सीसीआई का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, और जब तक सीसीआई का एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि सीसीआई के पास अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है। तो ये हमें झूठा आश्वासन देते रहे, हमारे साथ झूठ बोलते रहे। असल में मामले का पता चला तो ये है कि जो सीसीआई के अधिकारी हैं वो फैक्ट्री वालों से कमीशन लेते हैं, उनका कमीशन का काम है, उनसे पैसे लेते हैं। ताकि उन लोगों ने, सीसीआई वालों ने और फैक्ट्रियों के जो मालिक है, उन्होंने मिली भगत करके ये जानबूझ के एग्रीमेंट नहीं किया जा रहा है, ताकि किसान की जो फसल 5450 लाख खरीद के यहाँ पे 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सस्ती फसल खरीदी जा रही है, और किसान की मजबूरी है अपने जो फसल है वो सस्ती बेचने की, क्योंकि उसको सरकारी खरीद शुरू नहीं हो रही तो मजबूरी में अपनी फसल सस्ती बेच रहा है। उसको लेके हम ये धरना लगाए बैठे, रात को भी यहाँ पे बैठे थे, हमारी सुनवाई नहीं हुई। कल हमने इनको कहा भी था कि अगर कल हमारी ये सीसीए खरीद शुरू नहीं करेगी तो मार्केट कमेटी को पूर्ण रूप से बंद करेंगे। आज हमने मार्केट कमेटी को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, रात के यहीं बैठे हैं और सुबह यहाँ पे 8 बजे ही इसको बंद कर दिया। किसी भी कर्मचारी को, अधिकारी को मार्केट कमेटी के अंदर नहीं जाने दिया गया है, और ना ही तब तक हमारी खरीद शुरू होगी इनको किसी को मार्केट कमेटी के अंदर घुसने देंगे।